नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में जिस प्रकार शराबबंदी के बाद भी शराब धड़ल्ले से बिक रही है, उसी प्रकार गांजे की भी सप्लाई धड़ल्ले से हो रही है। एक नई बात निकल कर आई कि लखीसराय के में 2.5 करोड़ रुपए का गांजा बरामद पुलिस ने किया। बताया जाता है कि पुलिस रात्रि गश्ती में थे और रात्रि गश्ती के दरमियान तहदिया के निकट ईट चिमनी के पास NH-80 किनारे भारी मात्रा में करोड़ों का गांजा जब्त किया गया। गांजा ट्रैक्टर पर लोड किया हुआ था। शनिवार को SP सुशील कुमार ने बढ़िया थाना में बताया कि पुलिस रात्रि गश्ती पर थी। गंगासराय स्थित गणेश मंदिर के समीप गश्ती दल को संदेह हुआ। ट्रैक्टर को रुकने के लिए कहा गया। ट्रैक्टर तेजी से भागने लगी और 1 किलोमीटर दूर जाकर ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस संदेह के आधार पर जब उस ट्रैक्टर पर लदे सामग्री की जांच की तो 74 बोरी लादी हुई थी ट्रैक्टर पर, और जब उसकी जांच की गई तो 74 बोरी में 147 पैकेट गांजे बरामद किए गए, जिसकी वजन कराई गई तो 15 क्विंटल गांजा का वजन हुआ। और उसकी बाजार की कीमत अगर आंकी जाए तो 2.5 करोड़ रुपया उस गांजे की कीमत है। अब इस मामले में अज्ञात तस्कर और वाहन मालिक पर केस दर्ज किया गया। मौके पर SDPO रंजन कुमार, उत्पाद अधीक्षक शैलेंद्र कुमार आदि मौजूद थे। 2.5 करोड़ का गांजा बढ़िया लखीसराय में बरामद NH-80 पर की गई है। यह गोरख धंधा प्रशासन के मिली भगत से ही चलाई जा रही होगी। 74 बोरी यानी 2.5 क्विंटल गांजा कैसे आया लखीसराय, किस रास्ते से आया, किस माध्यम से आया, यह जांच का विषय है। और कौन लोग इतने बड़े कारोबार में संलिप्त हैं, यह बिहार सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।